गुड मॉर्निंग 11th क्लास, हम पढ़े थे चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, जिसमें हमने बेसिकली बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अब तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर जो क्लासिफिकेशन वो की थी, जिसमें हमने बेसिक 4 टाइप्स पढ़े थे, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये भी क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये है कि एनिमल्स जो है कैटेगराइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि किस तरीके की उनमें ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एनिमल को किसी भी प्लेन से काटे और वो उसके सेंटर ऑफ एक्सिस से डिवाइड होगा तो क्या करेगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, यानी कि एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स में क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। एग्जांपल आपके स्पंजिस बेसिकली जो आपकी पोरीफेरा किंगडम होती है एनिमल्स में, किंगडम एनिमल किंगडम में होती है, डिवीजन होती है पोरीफेरा फाइलम, उससे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं पोरीफेरा, पोरी मतलब पोरस, ठीक है। तो स्पंज क्या होता है, सब में पोर्स होते हैं, तो ये सभी क्या आएंगे आपके, एसिमेट्रिकल होंगे। नेक्स्ट होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी प्लेन से कट करें सेंटर एक्सिस से तो वो क्या करेगा, इक्वल पार्ट में क्या, डिवाइड हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें आपके सीलेंट्रेस, स्टेनोफोर्स और एकाइनोडर्म्स आते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप हाइड्रा का ले सकते हैं, ये आपका हाइड्रा है, अगर हम इसको किसी भी एंगल से कट, चाहे आपका लॉन्गिट्यूडनल एंगल हो या हॉरिजॉन्टल हो या फिर स्लैंटिंग में, आप किसी भी एंगल से कट करेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन इसका लेफ्ट हो या राइट हो या फिर अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, कोई भी एंगल आप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हाफ में क्या होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट होता है आपका, एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि उसमें अगर प्लेन से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करें पर वो एक सिंगल प्लेन से, यानी कि सिर्फ जैसे कि एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है इसी से हम कट करेंगे सेंटर से, तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, सिर्फ एक प्लेन से। अगर आप इधर से कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। तो बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। ये आपके सारे एनालिडास हो गए, आर्थ्रापोड्स, यानी कि इंसेक्ट्स आते हैं आपके आर्थ्रापोड्स में, उन सभी में ये क्या होगा, होता है। नेक्स्ट है आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लो का मतलब दो, ब्लास्टिक मतलब एम्ब्रोयनिक लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3, यानी कि इसमें एनिमल्स वो जिसमें दो लेयर्स के और एम्ब्रोयनिक लेयर प्रेजेंट हो, और ट्रिप्लो मतलब जिसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हो। एनिमल्स इन विद द सेल्स आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रोयनिक लेयर्स, ठीक है, जो जिसमें 2 एम्ब्रोयनिक, कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्सटर्नल लेयर एक्टोडर्म और इंटरनल लेयर एंडोडर्म। ये बेसिक टर्म बच्चों याद रखना, एक्टो जो होता है हमेशा एक्सटर्नल के लिए यूज होगा आपका, और एंडो हमेशा आपके इंटरनल टर्म्स के लिए यूज होगा। डिप्लोब्लास्टिक लेयर होगी एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स, और एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर्स भी इसमें प्रेजेंट होती है, जो जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया, जो आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। यही मीजोग्लिया जो होती है आपकी, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या फॉर्म करेगी, मीजोडर्म की फॉर्मेशन करेगी, कुछ इस तरीके से। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में की जो सेंटर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मीजोडर्म, जो मीजोग्लिया से क्या होती है, फॉर्म होती है। तो दोज एनिमल्स इन विद द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर इज कॉल्ड मीजोडर्म, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। वे प्लेटी हेलमिंथस 2 कोर्डेट्स आपके सारे होंगे। नेक्स्ट है आपका सिलोम। सिलोम बेसिकली क्या होती है, कैविटी होती है, ठीक है। इस कैविटी के बेस पे भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं एनिमल्स में। प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, यानी कि ये जो बॉडी कैविटी है किससे बनी है, मीजोडर्म की जो लेयर है उसी से बनी है, इस लुक को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। एनिमल पोजेसिंग सिलोम्स आर कॉल्ड सिलोम, जिन एनिमल्स में सिलोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको सिलोमेट्स बोलते हैं, जिनमें सिलोम की जो कैविटी प्रेजेंट नहीं होती उनको एसिलोमेट बोलते हैं, और कुछ में क्या होता है आपको फॉल्स, यानी कि आपको लगेगा कि उसमें प्रेजेंट है कैविटी बट बेसिकली प्रेजेंट नहीं होती, फॉल्सली शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो मतलब आपको
क्या होगा, मतलब स्यूडो का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि उसमें कैविटी है पर ऐसा नहीं होता। तो एनिमल्स प्रोजेसिलोम सार्कोसिलोम एग्जाम्पल जैसे एनलीडा, मुलस्का, आर्थ्रोपोडा और अकाइनोडर्म्स, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेट्स, यानी कि आपके जितने भी हायर लेवल के जो एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आएंगे उन सभी, वे सभी क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं, उन सभी में सिलोम कैविटी प्रेजेंट होते हैं। सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉन लाइंड अप, यानी कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो बॉडी की कैविटी है वो मीजोडर्म से क्या होती है, कवर नहीं होती। इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट होता है पाउचिस में बिटवीन द एक्टोडर्म एंडोडर्म, इस कैविटी को हम बोलते हैं स्यूडो सिलोम, ठीक है, और एनिमल्स को बोलेंगे स्यूडो सिलोमेट। एग्जाम्पल आपके एस्केल्मिंथस हो गए, और जिनमें ये एबसेंट होते हैं उनके एको ए सिलोमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके प्लेटी हेल्मिंथस हो गए। ये आपको जो क्लासिफिकेशन मैं आपको आगे करवाऊंगी उसमें आपको याद हो जाएगा कि ए प्लेटी हेल्मिंथस और ये सब क्या है। तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा, फर्स्ट देखिए सिलोम, ये आपकी क्या हो गई अंदर की, ये एक्टोडर्म होगी, ये अंदर की लेयर आपकी एंडोडर्म होगी, और ये जो मीजोडर्म की लेयर है कुछ इस तरीके से कि बीच में क्या है प्रेजेंट हो गई कैविटी, और ये क्या है अलग अलग डिवाइड नहीं है। देखिए इसमें बीच में ये क्लाई जा रही है, इससे अंदर जो मीजोडर्म की लेयर है इससे कनेक्ट है, तो इस मीजोडर्म के बीच में क्या होती है, यानी कि जो कैविटी जो किससे घिरी हुई होती है मीजोडर्म से, वो उसको हम सिलोम बोला, ये सिलोम में। स्यूडोसिलोम का मतलब ये होता है कि एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, ये मीजोडर्म की लेयर है, ये इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज में मूव कर जाती है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स बना लेती है, और इन सब के बीच में ये कैविटीज प्रेजेंट होती है, इसको बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट, यानी कि आपको एक तरीके से धोखा होता है। और ए सिलोमेट का मतलब ये है कि ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म और मीजोडर्म, इन मीजोडर्म में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ए सिलोमेट। ये बेसिकली आपकी किस में होगी, हायर ऑर्गेनिज्म में होगी जिसमें आपकी कौन सी लेयर हो, मीजोडर्म की लेयर क्या हो, प्रेजेंट हो, यानी कि प्लेटी हेल्मिंथस टू कोडेटा में आपको सिलोम्स की मिलेंगे। उससे पहले क्या, जैसे कि आपकी पोरीफेरा थे, ठीक है, स्पंजिस वाले थे, उन सभी में आपको ये सिलोम कैविटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है सेगमेंट, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड होना। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विच आर सीरियल रिपीटेशन ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन्स। सम ऑर्गन्स की कहते हैं रिपीटेशंस होते हैं, जैसे कि अगर आप अर्थवर्म को देखें तो अर्थवर्म पे आपको सेगमेंट्स मिलेंगे, लाइनें दिखती है ना, तो वो क्या होता है सेगमेंट होता है, डिवाइड होना। अर्थवर्म द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक, उस तरीके की को क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, और फिनोमिना को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है आपका नोटोकोड। नोटोकोड बच्चों एक, ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली आगे क्या करता है, एनिमल्स में जो हमारी बैकबोन होती है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नोटोकोड इन मीजोडर्म में डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स की जो डोर्सल साइड होती है उस साइड क्या होती है, बनती है। एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कोडेट्स, यानी कि जिनमें नोटोकोड पर उनको कोडेट बोलते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी के डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं, और जिनमें ये फॉर्म नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन कोडेट्स। एग्जाम्पल जैसे पोरीफेरा टू अकाइनोडर्म, पोरीफेरा यानी कि स्पंजिस, उनमें आपको कोई रीढ़ की हड्डी नहीं मिली। अकाइनोडर्म्स आ गए आपके, जैसे कि ये आपके ये हो गए जैसे इंसेक्ट्स वगैरह सब हो गए, उन सभी में क्या, इंसेक्ट्स सॉरी अर्थवर्म वगैरह जो होते हैं उनमें आपको कोई रीढ़ की हड्डी नहीं मिलेगी, तो ये सभी क्या आएंगे, नॉन कोडेट्स में आपके इंक्लूड होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़िए, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।